हरे कृष्णा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि गोपी ने कैसे एक क्रॉप को ग्रो किया फील्ड में। अब उसको भी हम रिकैप करेंगे। लेट अस रिकैप व्हाट गोपी डिड टू प्रोड्यूस व्हीट इन दिस फार्म। अब उसको रिकैप कर रहे हैं कि कैसे गोपी ने अपने फार्म में एक व्हीट को प्रोड्यूस किया। तो प्लॉग्ड एंड लेवल्ड द सॉइल, उसने खेत को जोता और उसको सॉइल को लेवल किया। ब्रॉड सीड्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से बीज लेकर आया। सो द सीड्स इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर बीज को बोया। वाटर द फील्ड, फील्ड में पानी दिया। रिमूव द वीड्स, और उसने फिर वीड्स को रिमूव किया। स्प्रेड पेस्टिसाइड्स, उस पर उसने पेस्टिसाइड दवाई छिटी। और हार्वेस्ट द क्रॉप, और उसके बाद फसल को काटा। सोल्ड व्हीट ग्रेन्स इन द मार्केट, और लास्ट में उसने उसको मार्केट में सोल्ड किया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इसमें रिकैप में बताया गया है। उसके बाद लेट अस हाउ अ लुक एट टूल्स एंड मशीनरी यूज बाय गोपी टू ग्रो द क्रॉप। अब गोपी ने कौन सी मशीन्स और टूल्स का यूज़ किया क्रॉप को ग्रो करने में, वो हम देखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ट्रैक्टर से उसने फील्ड को जो है जोता, प्लॉग किया। ट्रैक्टर फॉर प्लॉगिंग एंड लेवलिंग द सॉइल, जिससे कि उसने सॉइल को लेवल किया ट्रैक्टर के यूज से, मदद से। ट्यूबवेल टू वाटर द प्लांट, और उसके यहाँ पे ट्यूबवेल था खेत में, उससे पानी दिया प्लांट्स को। रेक फॉर वीडिंग, उसके बाद इससे वीडिंग की उसने। हैंड हुक फॉर डिगिंग एंड वीडिंग, अब इससे हाथों से उसने डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए इस टूल का यूज़ किया। पिक मैटॉक्स फॉर डिगिंग एंड वीडिंग, और इससे उसने गड्ढे खोदे। और पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, और इस मशीन के द्वारा उसने खेतों में दवाई को छिड़का। हार्वेस्टिंग मशीन फॉर कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड एंड ऑल्सो स्प्रेडिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हक्स। और हार्वेस्ट मशीन से उसने क्रॉप्स को कट किया, है ना, और फिर उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट किया, छिलके को और अनाज को। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय अस इन द किचन टू कुक अवर मील्स कम फ्रॉम द फार्म्स। जो भी मटेरियल हमारे किचन में हमें रिक्वायर्ड होता है खाने को पकाने के लिए, वो सारा खेतों में बोया जाता है। द फार्मर्स ग्रो सेल्स परसेस स्पीशीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम फॉर अस एंड सेल देम इन द मार्केट। फार्मर्स जो है उनको ग्रो करते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं। वी परचेज दिस एंड यूज देम इन द किचन टू कुक अवर मील, और उन्हें हम खरीदते हैं और हमारे किचन में उन्हें पकाते हैं। लेट अस सी हाउ योर मदर इज एबल टू मेक आलू पराठा। चलो देखते हैं कि आपकी मदर आलू के पराठे को कैसे बनाती है। अ फार्मर सो पोटैटो इन द फील्ड, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि फार्मर जो है किसान कैसे आलू को फील्ड में बो रहा है। उसके बाद ही टेक्स आउट द फुली ग्रोन पोटैटो फ्रॉम द फार्म्स, उसके बाद वो कैसे पोटैटो को उसमें से निकालता है और फार्म में से। ही देन सेल द पोटैटोज इन द मार्केट, फिर मार्केट में उसे सेल करता है। मदर बायज द पोटैटो फ्रॉम द मार्केट, मदर मार्केट से पोटैटो परचेज करती है। शी बॉय